breaking news just coming in amid WFI body suspension. Brijbhushan Charan Singh arrives at Nadda's home. News reports are saying that after meeting JP Nadda, Brijbhushan Charan Singh may take a big decision soon. Sources say that WFI may go to the Delhi High Court against the government's decision to suspend the WFI. Sources say that the new body has been elected as per the National Sports Code and the Constitution of the Wrestling Federation. In such a situation, the decision of the Sports Ministry is not correct. The WFI has said that if the tournament is not conducted soon, many players will become overage and their year will be ruined. This is the breaking news just coming in that Brijbhushan Charan Singh has met JP Nadda and the WFI has said that they may go to the Delhi High Court against the government's decision to suspend the Wrestling Federation of India. That's the breaking news coming in just now, that WFI may move the Delhi High Court and Brijbhushan Singh may take a big decision after meeting JP Nadda. And Himanshu Mishra is joining me on this story. Himanshu ji, JP Nadda se milne gaye hain Brijbhushan Charan Singh, itna bada faisla sports ministry ne liya hai, क्या किस तरह देख रहे हैं हम, क्या और खबर है हमारे पास, क्या कर रही है मिनिस्ट्री और क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के नड्डा जी से मिलने से कोई असर पड़ेगा? अनिशा, मैं आपको साफ कर दूं कि ब्रिजभूषण सिंह राजनीतिक तौर पर एक बड़ा फैसला जो है जेपी नड्डा से मिलकर ले सकते हैं, क्योंकि मामला स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का है लेकिन वो मिलने गए हैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष से। एक खबर मैं आपको दे रहा हूं, ये खबर है 27 जुलाई को ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से WFI के इलेक्शन को होल्ड किया गया था, उसमें टाइम लग रहा था इलेक्शन में और सरकार की तरफ से बार बार उसमें रोड़े लग रहे थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उस वक्त लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करके इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी आलाकमान के मनाने के बाद वो माने थे और 6 अगस्त को जो है उन्होंने अपना इस्तीफा वापिस लिया था। लेकिन अब अगर वो जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं तो ये माना जा सकता है कि वो ये बात बिल्कुल माइंड मेकअप करके आए हैं कि मामले को अब सरकार के तौर पर नहीं बल्कि उन्होंने अपने पर्सनल निजी ऊपर लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। वो ये मानते हैं कि ये पूरा मामला उनकी साख से जुड़ा हुआ है और इसीलिए वो जेपी नड्डा से मिलने गए हैं। तो मुझे ये पूरा, मैं एक तरीके से कह सकता हूं, जो जितनी राजनीतिक समझ मेरी है, जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो बड़ा फैसला ये हो सकता है कि वो अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं या फिर वो पार्टी आलाकमान के जो प्राइमरी मेंबरशिप है उससे इस्तीफा दे दे। वो बिल्कुल चाहेंगे कि जब तक दूध का दूध ना हो जाए और रिपोर्ट्स ना आ जाए तब तक वो अब संसद सदस्य ना रहे। ये मेरी राजनीतिक समझ कह रही है। हमारे सूत्र भी कहते हैं कि वो जेपी नड्डा से मिलने गए हैं, वो सरकार के अनुराग ठाकुर से नहीं मिलने गए, वो आईओ के प्रेसिडेंट पीटी उषा से नहीं मिलने गए हैं। अगर वो जेपी नड्डा से मिलने गए हैं तो कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मतलब है और उस मतलब में साफ है कि वो पार्टी अध्यक्ष से मिलकर कहीं अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा न दे दे। पहले भी उन्होंने एक बार दिया था। जरा हमारे दर्शकों के लिए अगर आप समझा पाए, अगर इस तरह से ब्रिजभूषण इस्तीफा देने की पहल करते हैं, 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, ब्रिजभूषण को अपने एरिया का दबंग माना जाता है, उनका काफी इन्फ्लुएंस माना जाता है, इसीलिए जो रेसलर्स हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, वो इतने महीनों से ये आरोप लगा रही थी कि ब्रिजभूषण की पॉलिटिकल वैल्यू की वजह से बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब उनके खिलाफ जो केस है वो तो कोर्ट के सामने चल रहा है, राजनीतिक तौर पे ये अगर ऐसा कुछ करते हैं तो क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को के ऊपर दबाव पड़ेगा कि अपना फैसला वापस लीजिए? देखिए, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का अपना काम है। जो इलेक्शन हुए हैं, अनिशा आप भी क्योंकि लीगल बहुत कानूनी रूप से आपको सब कुछ मालूम है, जो एक केस सेक्सुअल हरासमेंट का कोर्ट के अंदर है, कोर्ट में उसको लेकर पूरी प्रोसीडिंग्स चल रही है। दूसरी तरफ सरकार ने जब ये पूरा मामला आया था एक ओवरसाइट कमेटी बनाई, ओवरसाइट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद आईओ की एक एडहॉक कमेटी बनाई गई, एडहॉक कमेटी पूरे मामले को देखती रही और WFI का जो संचालन है, जो एक्टिविटीज है उसको करती रही। उसके बाद एडहॉक कमेटी ने रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए, रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन की डेट्स अनाउंस की, लेकिन उसमें कई स्टेट एसोसिएशन, हरियाणा, आसाम, गोवा, तेलंगाना ने इन इलेक्शन को लेकर कोर्ट में गए, कोर्ट से जब स्टे नहीं मिला, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, किस तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं और
जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के सपोर्टेड आदमी है वो सभी जीत जाते हैं, उसमें एक आदमी चुनाव भी हारते हैं, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट किया था जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो चुनाव हार जाते हैं, उन्होंने वाइस उनको 5 वोट मिलते हैं, और जनरल सेक्रेटरी जो है वो ब्रिजभूषण के अगेंस्ट जीते हैं। तो जो आरोप लगाया गया कि एक कमेटी की अगर आप बुला भी रहे कोई मीटिंग तो उसमें जनरल सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी में जो है जनरल सेक्रेटरी एक बहुत महत्वपूर्ण पद है सारे डिसीजन के लिए। जो नोडल ऑफिसर होता है वो जनरल सेक्रेटरी होता है, उनको नहीं बुलाया गया, उनका दफ्तर जो है WFI का वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के सरकारी दफ्तर से चलता रहा। अब जो ब्रिजभूषण शरण सिंह या संजय सिंह की तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि WFI का जो ऑफिस है नया तैयार हो रहा है कनॉट प्लेस एरिया में, ओके, तो जब तक वो तैयार नहीं होगा तो जो पुराना ऑफिस है वहीं से ऑफिस चलेगा। ये तमाम तरीके के जो है, और जो प्लेयर्स के लिए एक महीने का टाइम पीरियड होता है किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, अगर आप कोई नेशनल चैंपियनशिप करा रहे हैं तो उसमें प्रिपरेशन के लिए आपको एक महीने का टाइम होता है, क्योंकि प्लेयर दूर दूर से आते हैं, उनको ट्रेवल करना है, उनकी तैयारियां, ये सब के लिए एक महीने का टाइम दिया जाता है। और अगर आप जल्दी ही इस चीज को कर रहे हैं और टाइम नहीं दिया अपने इसको, तो उसके खिलाफ भी कोई भी कोर्ट जा सकता है। दूसरी चीज जो बात आपने कही ब्रिजभूषण शरण सिंह, अगर जेपी नड्डा से मिल रहे हैं इस पूरे मामले में तो ये राजनीतिक मामला बन, और राजनीतिक मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह को जितना मैं समझता हूं, मैंने एक 2008 में भी जब न्यूक्लियर डील के टाइम पे ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पार्टी बीजेपी में रहते हुए न्यूक्लियर डील के पक्ष में जाके वोट किया था, और उसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। 2009 का लोकसभा चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी में रहते हुए जीता और 14 के चुनाव से पहले वो बीजेपी में वापस आते हैं। अब क्योंकि जो जानकारी मेरी है, जब मानसून सत्र चल रहा था उस वक्त जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था लोकसभा स्पीकर से मिलकर, सिंगल लाइन से उन्होंने लिखा सो एंड सो मेरी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसकी संसद सदस्यता से मैं इस्तीफा देता हूँ। और 5 दिन बाद उनको मनाया गया जी। उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया था और आज जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे, तो मुझे लगता है कि ये मामला पूरा उन्होंने अपनी साख पे ले लिया है और अब इसमें स्पोर्ट्स के साथ साथ राजनीति में जो उनका कद है वो शायद उसको देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि सरकार की तरफ अगर ये किया जा रहा है। हिमांशु, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, माफ कीजिएगा, पर हमारे साथ वी आर बीइंग जॉइंड नाउ बाय पीयूष मिश्रा हु इज एट जेपी नड्डाज रेजिडेंस। Piyush, a lot of what our colleague Himanshu just explained, this is a lot of politicking, a lot of political questions may be asked about Brijbhushan's role in the upcoming 2024 elections and how he may be leveraging that and what this means for the WFI fracas right now. The players on one side, the WFI on one side, and the sports ministry has taken this big decision. But as Himanshu just said, JP Nadda is the person that Brijbhushan has chosen to go and meet. What are you picking up from the ground? Well, what we are now learning right now is that Brijbhushan Sharan Singh had come to meet with BJP's national president JP Nadda a couple of minutes back. He held a meeting for more than 10 to 15 minutes, and after meeting with BJP's national president, now he has left from his residence. What we are also given to understand is that Brijbhushan had come here to apprise JP Nadda about the stand which WFI has so far taken, because Sanjay Singh, who has been elected as the president of WFI, is also being seen as a close aid of Brijbhushan Sharan Singh. And after the results were announced, we also saw as to how the celebrations were taking place at Brijbhushan Sharan Singh's residence, and the wrestlers had also done a press conference where Sakshi Malik had announced that she is now quitting wrestling. Bajrang Punia had gone there to return back his Padma Award. So after the kind of politics which we have seen on this entire case, Brijbhushan Sharan Singh was in Delhi. He met with JP Nadda. He had apprised JP Nadda about the steps those are being taken by his side. What we are also learning from our sources is that most likely Sanjay Singh is going to approach the court with the relevant documents. Those are there in his hands. Sanjay Singh has also spoken to media, where he told media that the activities of WFI have so far been suspended. In fact, the body has not been suspended. So this is what the Sanjay Singh is saying. We'll have to see what decision the topmost leadership is going to take. But Brijbhushan Sharan Singh has met with JP Nadda. Let me also try to show you pictures from right outside.
Nadda's residence. The meeting went on for few minutes, where the discussions took place over the kind of a tussle which is ongoing between wrestlers and the government on the entire issue. Okay. Remember that Brijbhushan Sharan Singh is facing serious charges, and the entire case is also in court. And after the victory of Sanjay Singh, now wrestlers were demanding that the kind of actions, the decisions those are being taken are also in haste, and this is what the sports ministry has also mentioned in the letter which has been issued. We'll have to see what decision the top leadership of BJP is now going to take. Thank you very much for that perspective, Piyush.